मादा जो होती है ये अंडे देती है और इसके अंडे की संख्या होती है 5 से 7 अंडे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सांप है और कुदरत ने देखिए ना हर सांप को किस तरह एक अलग अलग एक टेक्सचर दिया हुआ है, अलग अलग। प्रेम दीवाने तुझे ते मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के आ जा अब ना ऐसा होगा फिर से दोबारा, तू पागल प्रेम आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्यों जो कैसे गाय दोस्तों, काफी दिनों के बाद आपके सामने आया हूं मैं। हालांकि बीच में कुछ 10-15 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सर्दी बुखार खांसी वायरल फीवर इसकी वजह से। और उसके पहले मुझे कम से कम बार बार जो है रसल्स वाइपर के कॉल हो रहे थे, हर 2-3 दिन में एक बार रसल्स वाइपर का कॉल था। इसके लिए मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं और साथ में कोई नहीं था, काफी बार इसकी मैंने डिटेल दी हुई है। तो आज देर रात को क्या हुआ, मुझे एक कॉल आया मेरे घर के पास सोसाइटी में, एक सांप है जल्दी आइए। और वहां पे कम से कम 10-12 लोग सोसाइटी से खड़े थे और जिनमें से वो चर्चा कर रहे थे कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप है ये करेज सांप है, महाराष्ट्र में इसको मनियार बोलते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। मुझे बोले जल्दी आइए, बोले नहीं तो इधर उधर गया तो हमको मारना पड़ेगा उसको। तो मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दूसरे सर्प मित्र को कॉल किया तो नंबर उनका बंद था, तो मैं खुद गया और मैंने जाके जब देखा तो मेरा सामना हुआ कुकरी सांप से। तो मैंने उनको बताया भाई इसमें बिल्कुल जहर नहीं है, बहुत ही प्यारा और मासूम सांप है ये, इसको हम लोग कुकरी सांप बोलते हैं। इसके आपने जो उसके ऊपर जो काले पट्टे, वो काले पट्टे देखकर शायद आपको लगा ये करेज सांप है। करेज सांप दिखने में काला होता है और उसके ऊपर जो है सफेद कलर की धारियां होती है, धारियां। तो एक बार आपको दिखाता हूं मैं कुकरी सांप, ये देखिए कितना बदमाश है, इसको मैं आपको दिखाता हूं एक बार, हाथ में जरा नजदीक से दिखाता हूं, उसके बाद नीचे रख के आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये देखिए। तो आपको यहां पे रख के दिखाता हूं, ये देखिए, ये कुकरी सांप है और इसकी जो लंबाई होती है ज्यादा से ज्यादा ये 1.5-2 फुट तक बढ़ता है। अगर आप किताब के हिसाब से पढ़ेंगे तो 2 फुट इसका मिनिमम जो है लेंथ बताया, लेकिन 2 फुट तक नहीं जाता ये पूरा, ये 1.5-2 फुट तक चले जाता है। फिलहाल ये काफी बड़ा है और ये अपनी उम्र में, मतलब ये एकदम क्या बोलते हैं इसको, जवान है, जवान, ये पूरा जवान हो गया। अब ये कंप्लीट इसकी उम्र कम से कम होगी एक तकरीबन 4 साल का होगा ये। इसकी लंबाई इतनी होती है और इसकी मोटाई भी इतनी होती है, इससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है ये उतना ही चौड़ा होता है, उससे ज्यादा चौड़ा नहीं होता। और ये 2 कलर में होता है, एक तो ब्राउन कलर में और एक ग्रे कलर में। अभी आप देख सकते हैं ग्रे कलर में है और इसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, बैंड्स, ये ब्लैक कलर के बैंड्स बने होते हैं पट्टे। इसकी वजह से इसका जो नाम है, इसकी वजह से इसका जो नाम दिया है, इसको हम लोग बैंडेड कुकरी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन कॉमन कुकरी या बैंडेड कुकरी, क्योंकि इसके ऊपर जो बैंड्स बने होते हैं निचला हिस्सा इसका पूरा सफेद होता है। ये देखिए आपको एक बार फिर से नजदीक से दिखाता हूं, ये देखिए ग्रे कलर इसकी बॉडी का और इसके सर के ऊपर वी, वी जो अक्षर होता है वी, उसका इसका माप बना होता है और ब्लैक कलर के ऊपर इसके बैंड्स बने होते हैं, बैंड्स आप देख सकते हो, देखिए बहुत ही खूबसूरत काफी शानदार प्यारा सांप। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता और नॉर्मली काटने की कोशिश करता नहीं है ये सांप जो है, 85-90% अगर आप कहेंगे तो ये काटने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर काटा तो नानी याद दिला देता, ये भी ध्यान में रखना, अगर ये डर गया तो ये सामने वाले को काट लेता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, इंग्लिश में कुकरी, मराठी में कुकरी, हिंदी में कुकरी, तो बैंडेड कुकरी या कॉमन कुकरी के नाम से जाना जाता है, इसमें जहर नहीं होता। और काफी लोग इसके जो ब्लैक कलर के बैंड्स है, बैंड्स देखकर इसको जहरीला समझते हैं और इसकी तुलना जो है करेज सांप से कर इसको मार देते, तो आपको मारना नहीं है, अगर वो करेज सांप भी होगा तो आपको मारना नहीं है, सर्प मित्र को बुलाना है। अगर सर्प मित्र नहीं होगा तो कोशिश करो बिना हाथ लगाए उसको किसी बैग में या बोरी में डालकर उसको दूर नदी के किनारे छोड़ दो, लेकिन मारना नहीं हमको।
एक बार से मैं नीचे रख के इसको अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद इसको हम लोग इधर ही पर्यावरण में रिलीज कर देंगे। ये अभी हमारे घर के पास में नदी का एरिया है, तो हम इसको नदी के एरिया के पास छोड़ेंगे, क्योंकि ये जहरीला सांप नहीं है तो इसको फॉरेस्ट में छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको नीचे रख के एक बार थोड़ा सा मैं इसका व्यू देता हूँ। एक मिनट, ये कुकरी सांप है, और इसकी जो लंबाई मैंने आपको बताया ज्यादा से ज्यादा 1.25 फुट तक इसकी लंबाई होती है। और मादा जो होती है, एक बार आपको थोड़ा सा नजदीक से इसको पकड़ के दिखाता हूँ, मादा जो होती है ये अंडे देती है, और इसके अंडे की संख्या होती है 5 से 7 अंडे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सांप है, और कुदरत ने देखिए ना हर सांप को किस तरह एक अलग अलग एक टेक्सचर दिया हुआ है, अलग अलग एक नक्शा दिया हुआ है। लेकिन इसके जो डिजाइन है, डिजाइन देखकर लोग इसको जहरीला समझ के मार देते हैं, तो हमको मारना नहीं किसी भी सांप को, पर्यावरण का हिस्सा ही है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये खाता है, छोटे छोटे मेंढक जो है उनको खाता है, और छिपकली के जो अंडे होते हैं, छिपकली के गिरगिट के जो अंडे ये उनको भी खा लेता है। देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सांप है ये देखिए। आपको एक बार हाथ पर फिर से एक बार नजदीक से दिखा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह इसका पता चले, इसके लिए हमको ये दिखाना पड़ता है। एक मिनट, आ गया ना क्लोजअप शॉट्स आए ना। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी जल्दी से जो है यहाँ पे छोड़ देंगे, ताकि ये खा पी सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। तो इसको मैं ऐसी जगह पे छोड़ता हूँ ताकि ये यहाँ से छुप जाए। तो इसको अभी मैं छोड़ता हूँ, ये अपने आप अपनी जो जगह बना लेगा, और इसको सही जगह मिलती तो ये वहीं पे अपने आप चले जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत, अब ये धीरे धीरे अपनी जगह बनाएगा और आगे जो ये निकल जाएगा। ये देखिए ये अभी अपनी जगह बना रहा है, ये धीरे धीरे जो ये चला जाएगा। ये चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी, और हो सके तो आप भी इस वीडियो को जो है दूसरे को दिखाइए और समझाइए। भले सांप जहरीला हो या बिना जहर वाला हो, हमको उसको मारना नहीं है, जियो और जीने दो, प्यार मोहब्बत से रहो, जान हर एक की कीमती है, जान हर एक की ज़रूरी है। और ऐसे छोटे मोटे जो जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं, ये जीव की वजह से ये पूरा जो पर्यावरण जो है बना रहता है। इनके बिना ये पूरा पर्यावरण, ये खूबसूरत जो जंगल है, पेड़ पौधे, ये सब अधूरे हैं। तो जल्दी से हम लोग फिर किसी जानकारी या फिर किसी रिलीज ऑपरेशन के साथ आएंगे, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे लोगों के साथ लेकर चलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।